प्रिय मित्र नमस्कार, पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्र, आज का यह कार्यक्रम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि फ्लो क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। एक पाइप फिटर के लिए फ्लो को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि एक पाइप फिटर फ्लो को जान लेते हैं तो उसके अनुसार टेम्पलेट भी मोड़ा जा सकता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आसान हो जाते हैं। तो फ्लो और फ्लूइड को जानना एक पाइप फिटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमारी चर्चा इसी पे होगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। आप इसको ऐसे समझें कि जब कोई पाइप लाइन तैयार करते हैं, मटेरियल जब आप बनाते हैं और उसमें जो भी मटेरियल प्रवाहित होता है, यानी कि जो पाइप लाइन आप तैयार करेंगे उसमें जो मटेरियल प्रवाहित होगा उसको हम फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड या तो स्टीम हो सकता है, वाटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। और यह किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाता है उसको हम फ्लो कहते हैं, यानी कि फ्लूइड के प्रवाहित होने की दिशा को हम फ्लो कहते हैं। तो आइए इसको हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग में समझते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग के माध्यम से जानते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में फ्लो किस प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसा कि आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देख रहे हैं, तो इसमें आप जो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ऐसे जो एरो बना के दिया गया है, यही फ्लो का इंडिकेशन होता है। यही बताता है कि इस लाइन का फ्लो किधर से किधर को जा रहा है, यानी कि इसमें जो प्रवाहित माल है इसका फ्लो इधर से इधर को जा रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से जो ड्रेन पॉइंट निकला हुआ है, इसमें से जो माल प्रवाहित होगा तो यहाँ से ये इधर आकर के ये इधर को हो जाएगा, यानी कि इसका एरो इधर दिया गया है, इसका एरो इधर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रवाहित माल इधर से आ रही है और इधर को सीधा जा रही है। अगर यहाँ पे ड्रेन है तो ड्रेन होकर के यह इधर को भी जाएगी। ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक का फ्लो अलग अलग प्रकार से दर्शाया जाता है। प्रिय मित्र, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपने सुझाव अवश्य दें ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं इस प्रकार के कार्यक्रम आपके लिए हमेशा तैयार करता रहूं। प्रिय मित्र, अगर यह कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। हो सके तो अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें।